अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। किस प्रकार की संस्था है और आज क्या प्रोग्राम किया गया आपके द्वारा? ये तोमर सोसाइटी है, तोमर सोसाइटी से ये दीदी आई हैं और हम मिलान फाउंडेशन से हैं। हम एक ग्लाइकोन है, भारती की चाहिए मेरा नाम, और हम ये संस्था इसलिए चला रहे हैं यहाँ पर देवास में कि जैसे लड़कियों को मारपीट होती है, बहुत सारी हिंसा वगैरह होती है, कि उनके दौरान हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सब लड़कियों को मोबाइल बंटवाया जाता है यहाँ पर, और हर लड़कियों को शिक्षित करा जाता है, और बहुत सारी योजना निकाली है हमने जो क्या बोलते हैं दूसरों को हम प्रदान करें। कितने समय से जुड़े हैं आप इस फाउंडेशन? हम 2 साल से हो गया है। आज रैली निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक निकाली और क्या उद्देश्य था रैली का? उद्देश्य का ये तो था कि क्या बोलते हैं लड़कियों को शिक्षित बनाना है हमारे देवास में, जैसे बहुत सारी अनपढ़ रह गई है हमारे देवास में, इसलिए उनको शिक्षित बनाना है, और हम आगे मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हर लड़की को शिक्षित बनाया जाए। और हमने रैली यहाँ से निकाली है नहर दरवाजे से, तो हम यहाँ पर आए हैं सयाजी द्वार तक। कितनी लड़कियाँ होगी इसमें? इसमें 30-35 ज़्यादा होंगी, 30-35 से ज़्यादा, 40-45 होंगी लड़कियाँ। आपका नाम बता दीजिए। भारती खींची है मेरा नाम। किस प्रकार का आज आयोजन था? ये गर्ल आइकन प्रोग्राम है, ये भोपाल से संस्था आई है जहाँ पे लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है कि लड़कियाँ आगे अपने करियर में क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। अधिकतर यहाँ पर 27 लाख से ज़्यादा इनकम के लड़कियों को मोबाइल दिलाए गए हैं। यहाँ पे यही लड़कियाँ नहीं कर रही हैं, देवास में और भी बहुत सारी एरिया वाइज लड़कियाँ बटी हुई हैं जहाँ पे ये लड़कियाँ अपने अपने प्रोग्राम कर दिए। जैसे इनमें से एक लड़कियों में से 20 लड़कियों का एक लीडर बनाया है, तो उनमें से एक एक लीडर बन के अपने अपने प्रोग्राम को संभाल रहे हैं। भोपाल से ये संस्था द्वारा इनको बताया गया है कि आप ये प्रोग्राम आज के दिन कर लीजिए। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर ही ये चलती है? महिला सशक्तिकरण को लेकर ही है कि आगे लड़कियां बहुत सारी पैसों के कारण पढ़ नहीं पाती हैं, इनको संस्था पैसे देती है। अगर 12th के बाद लड़कियां जो आगे करियर में करना चाहती हैं, मतलब पढ़ना चाहती कॉलेज कर रही है, तो हमारी संस्था 40-40 हज़ार रुपये इनको देती है। अभी 10-10 हज़ार के मोबाइल वगैरह इनको दिए हैं, 2-2, 3-3 हज़ार की किट दी है, और अभी 1 साल के बाद इनको 10-10 हज़ार सब लड़कियों के अकाउंट में भी पैसे डले। ये आत्मनिर्भर बनने के लिए मिलेंगे इनको? और ये लड़कियां सब अपने करियर में आगे बढ़ने चाहती हैं, इसीलिए इनके सिलेक्ट किया गया पहले। कितने समय से आप ये संस्था चला रहे हैं? ये 2 साल से चल रही है। वैसे बाहर पूरे MP में, मध्य प्रदेश में ये संस्था चल रही है, लेकिन अभी देवास में हमसे कॉन्टेक्ट किया गया जिस द्वारा हमने इन लड़कियों से बात करके इनको ये अपना प्रोग्राम करने के लिए दिया गया। आपका परिचय आपका? मैं मुस्कान रवालिया, तुमुल देवास से, और मैं काउंसलर हूँ।